हेलो दोस्तों, स्वागत है आई ऑप्स पर। दोस्तों, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है और हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे इस वीडियो में कि कल यानी कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से कामकाज करने वाली है। आप ऑप्शन में अगर बाइंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे देखिएगा ताकि आपको रोज़ इस तरह की वीडियोज़ मिल जाया करेगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी ने आज कैसा प्रदर्शन किया, क्योंकि इसी दम पे, आज के दम पे ही हमारी स्ट्रेटजी कल को रहेगी, ठीक है। क्योंकि आज जो भी मार्केट में बना पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई, सब चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे का प्लान करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आज मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया। देख सकते हैं कि गैप अप ओपन होता है और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन सिंपल पता है लॉजिक, मार्केट में ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, बायर्स के सपोर्ट में चल रहा है, तो हर गिरते हुए मार्केट में बाइंग होता है। वही हुआ, मार्केट गिर के यहाँ पे आया लेकिन यहाँ से बाइंग आया, और बाइंग ऐसा आया कि मार्केट जो है 43,000 के ऊपर पहुँच गया था, लेकिन 43,000 एक मोनोपोली रेजिस्टेंस लाइन था, वहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी बने हुए थे, एक्सपायरी डे था, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट जो है वहाँ से फिर नीचे आया। और सबसे बेस्ट जो सपोर्ट था 42,875 से 900, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, पुट राइटिंग काफ़ी हो चुकी थी एक्सपायरी डे के दिन, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद वहाँ से फिर बायर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग पोजिशन दिखाते हुए, एफ आई जो, डी आई जो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो, रिटेल ट्रेडर्स हो, उन्होंने मार्केट को 43,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया। और जब 43,000 को ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से और भी बाइंग्स आई और मार्केट जो है 170 तक मार्केट गया। लेकिन लास्ट टाइम में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, मार्केट एक्सपायरी का डे था, प्रॉफिट बुकिंग आई और बेस्ट का काम किया कि 43,000 के ऊपर जो है मार्केट जो क्लोज़ किया है लास्ट टाइम में। और ये क्लोज होने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है उनके लिए जो ऑप्शंस में बाइंग करते हैं और कॉल में ज़्यादातर अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ट्रेंड के विरुद्ध प्रॉफिट करने के बारे में सोचिएगा तो फिर आपके पास रिस्क ज़्यादा हो जाएगा रिवार्ड के रेशियो में, ठीक है। तो मार्केट में है, लास्ट टाइम में प्रॉफिट आया और 43,000 के ऊपर क्लोज दिया। अब यहाँ से मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी नेक्स्ट डे के लिए, ध्यान से सुनिएगा स्ट्रैटेजी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मैं ये करने वाला हूँ कि अगर 43,000 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये 43,000 का लाइन है, इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो मैं आराम से यहाँ पे कॉल में जगह बनाऊँगा, ठीक है, एक एट द मनी का कॉल ले लूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 43,000 के नीचे मार्केट ओपन होती है तो मैं वहाँ पर वेट करूँगा, क्योंकि मैं पुट नहीं लेने वाला हूँ, पुट में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं होने वाली है, ठीक है। वहाँ से मार्केट को वेट करना है और आज का जो सबसे लोअर पॉइंट था, कह लो ये 42,700 के आसपास मार्केट आती है, तब यहाँ से फिर से मैं एक कॉल में जगह बनाऊँगा। हालांकि मार्केट ने जहाँ से आज जो है बैकअप, जहाँ से बाउंस बैक किया 18,875, यहाँ से भी ले सकता हूँ, अगर टुकड़ों में जो लेते हैं वो यहाँ से भी खरीदे और यहाँ भी खरीदे, ठीक है, सिंपल है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा परसों का जो है सबसे लो, यानी कि लगभग 42,500 का, ठीक है, 42,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 42,500 के स्टॉप लॉस के साथ अगर 43,000 के नीचे ओपन होता है तो मार्केट को आने दीजिए, 42,900-875 पे भी बाय कर सकते हैं, 42,700-675 पे भी बाय कर सकते हैं, 500 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे ट्रेडर, क्लोजिंग बेसिस पे भी, पोजिशनल ट्रेडर का भी। और अगर ऊपर होता है तो ऊपर आंख बंद करके बाय करिए, 43,000 के ऊपर अगर ओपन होता है तो 43,000 जो है वो एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। तो 43,000 के ऊपर अगर ओपन होता है, मान लो 43,150 के ऊपर ओपन होता है, 43,150 के पास ओपन होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा वेट करना है, प्रॉफिट बुकिंग आने देना है। प्रॉफिट बुकिंग होता है, मार्केट थोड़ा सा डीप आएगा, चाहे वो 43,075 हो या फिर 50 हो, वहाँ से आप बाय करिए कॉल में, एट द मनी कॉल, और आराम से वेट करिए, ठीक है, एकदम आसान दिलचस्प ये है।
मतलब एकदम आसान स्ट्रेटेजी है अभी, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, तो सिर्फ कॉल पे काम करिए, ना कि पुट पे, ठीक है। पुट पर बिल्कुल बंद ध्यान दीजिए, मार्केट जब डाउन साइड चलेगा तो पुट पे आप ध्यान दीजिए, कॉल पे नहीं। तो आप एक स्ट्रेटेजी लेके चले, अपना ट्रेंड के हिसाब से चले, तो आपको रेगुलर प्रॉफिट होगी, अन्यथा आप रिस्क और रिवॉर्ड को जो है मतलब क्या ना खिचड़ी बना के रख दीजिएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का क्या कामकाज रहा और कल क्या करेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। दोस्तों अब हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ। जब भी मैं देखता हूं तो 15 मिनट का ही देखता हूं, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड जो है वो 15 मिनट के टाइम पे ही हमें पता लगता है, ना कि 5 मिनट पे। आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट का, लेकिन चार्ट को ऑब्जर्व करिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। निफ्टी 50 काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया आज, काफ़ी ज़बरदस्त, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग रहा निफ्टी 50। कैसे बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, गैप अप ओपन होता है मार्केट में निफ्टी, और सेम प्रॉफिट बुकिंग दिखाया और मार्केट में फिर से वहाँ से बाय आया, और जब बाय आया तो दोस्तों सीधा 400 तक गया मार्केट। लेकिन 400 पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता था कि बल्क डील्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बल्क डील तभी होता है जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है, और जो खरीदने वाला होता है उसका ट्रेंड जो होता है वो बुलिश होता है, वो यही सोच के खरीद रहा होता है कि उसे आगे प्रॉफिट होने वाला है। तो मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर अच्छा खासा बल्क डील हो रहा हो कंपनीज में तो, और अभी खास करके बल्क डील हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में बल्क डील हुआ है, तो उसका प्रॉफिट आप देखने को मिला निफ्टी के इंडेक्स में। 400 के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने नहीं दिया, वहाँ पर सीधा शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट जो है काफ़ी ऊपर गया। एक समय 550 के आसपास मार्केट ट्रेंड कर रही थी, लेकिन लास्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट जो है 400-500 के नीचे क्लोज दिया। 500 के ऊपर अगर क्लोज देता तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पे चांस बनता निफ्टी के में बायर्स के लिए, लेकिन 500 के नीचे क्लोज दिया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलाव है। कल को अगर मार्केट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल में को क्या होने वाला है कि मार्केट जो है अगर गैप अप ओपन होती है, ज़्यादा चांस गैप अप ओपन का है, तो गैप अप ओपन होती है तो 525 से 550 के बीच मान लीजिए ओपन होती है, तो आपको वहाँ पे से थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने देना है, 525 से 510 500 के आसपास आपको बाय कर लेनी है, ठीक है। हालांकि अगर 500 से नीचे मार्केट आया तो आपको फिर से यहाँ पर वेट कर लेना है 475 तक का, 475 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो वहाँ से आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 475 अगर टूट गया तो आप वहाँ से और भी मार्केट में नीचे आने का चांस मतलब खतरा बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। मार्केट में जो सपोर्ट है ये सपोर्ट लाइन रहेगा लगभग 18,325 का, जो है इसमें क्लोजिज बेसिस पे भी और इंट्राडे बेसिस पे भी, सिंपल है। और आपको अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे होता है, मान लीजिए अभी 484 के आसपास क्लोज हुई है और मार्केट डाउन होता है 70 पॉइंट, तो 400 के ऊपर ही क्लोज होगा, तो आप वहाँ से फिर बाई में कॉल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 400 के ऊपर अगर मार्केट 420-425 के ऊपर ओपन होती है तो मार्केट में कॉल ले सकते हैं बिना कोई झिझक का, एग्रेसिव ट्रेडर के साथ, ठीक है, एकदम आराम से ले सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, निफ्टी में आपको गैप अप ओपन अगर होता है तो आपको वेट करना है, आपको सपोर्ट लेवल पे आने देना है, 500 के ऊपर अगर ओपन होता है तो 500-475 के ऊपर आने देना है, तो तभी वहाँ से बाय करनी है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है 50-60 पॉइंट, 400-425 के आसपास अगर ओपन होती है मार्केट, तो वहाँ से एग्रेसिव बाइंग कर लेनी है, ठीक है। कॉल में ऐड द मनी, कभी भी आउट द मनी बाय बिल्कुल मत करिएगा, ऐड द मनी करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं एक्सपायरी कौन सा रहेगा, मंथली हो या नेक्स्ट वीकली हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो स्ट्रैटेजी, मैं अपने लिए जो स्ट्रैटेजी बनाया हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी तरह के वीडियोज़ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।